हाय एवरीवन, वेलकम टू मीरू किचन। आज मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो आइए फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को अपने तरीके से और एकदम यूनिक वे में आपको बताने जा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको हम पहले छील लेंगे इस तरह से। छीलने के बाद आप ऊपर के स्लाइड को थोड़ा सा इस तरह से कट करें और फिर आप बीच में से इस तरह से स्लाइस में कट करें और फिर आप इस तरह से आलू के स्लाइस को बीच बीच में इस तरह से कट करें। अब सारे कट किए हुए आलू को आप एक बोल में निकाल लें और उसमें आप 2 कप पानी डालें और उसे आप 2 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दें। अब आप एक नैपकिन लें और आलू को पानी में से निकाल कर आप उसे अच्छे से पोंछ लें इस तरह से और फिर आप उसे दूसरे बोल में डाल दें। अब सारे आलू को आप बड़े बोल में डालें और उसमें आप 1/2 चम्मच लाल मसाला डालें, 1/2 चम्मच नमक डालें और 1/4 चम्मच हल्दी डालें और फिर आप 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें और उसे आप इस तरह से मिक्स कर लें। जब तक मसाला मिक्स हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये न्यू मेथड कैसे लगा। अब आप देखिए, जो मसाला है वो आलू पर इस तरह से सेट हो जाना चाहिए, तो इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आलू जब तक फ्रीज़र में है, हम यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। पाँच मिनट बाद आप आलू को फ्रीज़र से निकाल लें और उसे गरम ऑयल में डीप फ्राई करें लो फ्लेम पर, और गैस को हम लो पर ही रखेंगे। और ध्यान दें, आलू जब तक फ्राई हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ये फ्री है। अब आप 2 मिनट के बाद देखें, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। अब आप देखिए, जो फ्राइज का कलर है वो अच्छा गोल्डन हो चुका है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप देखिए, जो हमारा फ्रेंच फ्राइज है वो एकदम क्रिस्पी एंड टेस्टी बना है, तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कैसे बनी। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह और अच्छे अच्छे रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।